गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव क्रिएशंस इन बेसिक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का विषय है हरितिमा अमृतवन ऐप से वृक्षारोपण जियो टैगिंग कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरितिमा अमृतवन ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। उसकी आवश्यक शर्तों को पूरा करने के बाद ऑप्शन आएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। आपको बीआरसी से एक लिस्ट मिली होगी जिसमें प्रत्येक ब्लॉक की लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड दोनों दिए गए होंगे। इन आईडी तथा पासवर्ड को डालते ही आपके सामने फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद ओके कर दें। फ़ोटो के नीचे कुछ जानकारियां आपको भरनी होंगी, जैसे कार्य के प्रकार का चयन करें, अग्रिम मृदा कार्य स्कीम का चयन करें, स्कीम में आप जो भी चयन कर लें, ग्राम पंचायत आपकी जो भी ग्राम पंचायत हो, तहसील जिस तहसील के अंतर्गत आपका विद्यालय आता हो, ब्लॉक का चयन करें, ग्राम पंचायत नगर पंचायत में जो भी हो उसका ऑप्शन को भरें, का नाम भरें, में अपने विद्यालय का नाम भरें, रोपित किए गए पौधों की संख्या में आप 20 पौधों से अधिक ही संख्या दिखाएं, अगर कम दिखाएंगे तो वो लेगा ही नहीं, ऑप्शन 20 से कम नहीं लेगा। उसके बाद रोपित किए गए पौधों की प्रजातियाँ, तो जो प्रजाति के पौधे आपने लगाए हैं आप उनका चयन करेंगे। और उसके बाद आएगा सुरक्षा व्यवस्था का चयन करें, तो सुरक्षा व्यवस्था में जो ऑप्शन आपके यहाँ मौजूद है आप उसका चयन कर दें। उसके बाद सिंचाई व्यवस्था का चयन करें, सिंचाई व्यवस्था में भी आपको चयन करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लोड लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं, अन्य विद्यालयों की रिपोर्ट भी आपको दिखाई देगी। वीडियो हेल्पफुल लगने पर इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।